नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखे कोई माने या ना माने, पर ये बिना पूछ वाले वे गधे हैं जिनकी तशरीफ को चांद छाप तहमत से ढककर उसके नीचे पाकिस्तान लिख दिया गया है। यानी जब पाकिस्तानी जनता बिना दवा और डॉक्टर के जान बचाने के लिए गर्दन पटक रही है, यह तहमतबाज अखरोट फोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चढ़ा रहे हैं। छप्पर के लिए खपरेल तलाशती जनता को बताया जा रहा है कि मार्शल अरशद ने भारतीय मार्शल प्रभाकर रेड्डी का 229 अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी दुनिया को अब यह ज्ञान बखूबी हो चुका है कि भारत से गधों की आबादी कम कैसे हो गई। अब यह उम्मीद भी की जा सकती है कि पाकिस्तानियों का गधेया नृत्य भी एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। वैसे रिकॉर्ड बन भी रहा है। आज ही सऊदी अरब ने अपने यहां फैले संक्रमण का ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर फोड़ दिया है। सऊदी ने कहा है कि उनके मुल्क को इस मुसीबत में धकेलने के लिए यहां आते जाते पाकिस्तानी जिम्मेदार हैं। सऊदी में संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 से ऊपर पहुंच गई है और लगभग 9 लोगों ने हुरों की खोज में प्रस्थान किया है। हालत यह है कि यहां 72% तेजी के साथ इस रोग का विस्तार हो रहा है, जिसमें 16% मरीज पाकिस्तानी नागरिक हैं। 2 दिन पूर्व ही ट्रॉली और दरवाजों पर थूक कर संक्रमण फैलाने वाले जिस नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वह नागरिक भी पाकिस्तानी निकला। अब सऊदी अरब अपनी हालत का जिम्मेदार पाकिस्तान को बता रहा है तो इसमें किसी को संदेह होना भी नहीं चाहिए। पर पाकिस्तान की करतूत यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान से यह संक्रमण देश के लगभग 53 इस्लामी मुल्कों में फैलने जा रहा है। यानी जो इस्लामी मुल्क अभी तक आंशिक रूप से संक्रमित थे, अब पाकिस्तान ने उनको भी तबाही के मुंह में ढकेल दिया है। विगत 10 से 15 मार्च के बीच पाकिस्तान ने लाहौर में 2.5 लाख लोगों के धार्मिक जलसे का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग जुटे थे। यह आयोजन स्थानीय तबलीगी जमात तबलीगी इत्तेजमा ने किया था। इसी कार्यक्रम से वापस फिलिस्तीन लौटे 2 तहमतबाजों को जांच के बाद पॉजिटिव पाया गया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, जॉर्डन, मलेशिया से भी यहां सैकड़ों लोग आए थे। यह रिसर्च का विषय हो सकता है कि ये मुल्ला वहां वायरस छोड़ने गए थे या फिर वहां से फिलिस्तीन के लिए तोहफा लाए हैं। पर रेडिकल इस्लाम के लिए यह संतोष की बात हो सकती है, क्योंकि हुरों के लिए अब मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। बिना रिजर्वेशन कराए सीट कंफर्म है, पर मामला फिलिस्तीन की आस्तीन पर ही खत्म नहीं होता। गिरेबान पाकिस्तान ने तुर्की का भी पकड़ लिया है। तुर्की से भी लगभग 65 व्यक्तियों का एक दल पाकिस्तान आया था। मजे की बात यह है कि फुकेरा बने घूम रहे तुर्की में पहला मामला 11 मार्च को सामने आया था। यहां 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,500 पर पहुंच चुकी है, जबकि 108 से ज्यादा लोगों ने हुरों के तबेले में खलबली मचाई है। अब तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फारेटिन कोका कह रहे हैं कि उनकी हालत का दोषी कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। चौंकाने वाली बात यह है कि 7412 मरीजों में 9% मरीज पाकिस्तानी है, जो खटिया पर पड़े तुर्की की लुटिया डुबो रहे हैं। इमरान ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिससे अब यह पाकिस्तानी दूसरे देशों पर बोझ बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि देश से बाहर रहने वाले तहमतबाज वही पड़े रहे। उनके नए पाकिस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उन्हें राहत दे सके। बड़ी बात यह है कि कल ही चीन के 8 डॉक्टर 3 लाख मास्क, 12,000 टेस्टिंग किट और 10,000 प्रोटेक्टिव सूट लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। मगर जिस तरह से पाकिस्तान के तबेलों में हड़कंप मचा हुआ है, उसे देखते हुए यह ऊटनी के मुंह में धनिया के समान है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में संक्रमित मरीजों की तादाद 1602 हो चुकी है। यहां से 14 लोग हुरों के चक्कर में भागे हैं। पाकिस्तानी सेना के सार्वजनिक मामलों के प्रवक्ता बाबर इफ्तिकार ने कहा है कि पाकिस्तान को सेना के हवाले किया जा रहा है। यानी बांग्लादेश के बाद यह दूसरा मुल्क है जहां सेना इस वायरस से लड़ती दिखाई देगी। पर खास बात यह है कि पाक सेना के 100 से ज्यादा अधिकारी और सैनिक खुद क्वारंटीन में है। पर इमरान की नजर अभी भी ईसाई मुल्कों के उस टुकड़े पर है, जिसे वे 6 इंच की जीभ निकालकर फुर्ती से झटकना चाहते हैं। सऊदी अरब और यूए ने तो पाकिस्तान को पहले ही आईना दिखा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की उम्मीदें अल्लाह से ज्यादा अमेरिका पर है, क्योंकि पाकिस्तानी मुल्लाओं की दुआएं दाढ़ी में उलझकर रह गई है और उन्होंने कोई करिश्मा नहीं दिखाया है। यूं भी 164 रुपए का एक पाकिस्तानी डॉलर उसके फेफड़ों में थोड़ी बहुत हवा तो भर ही सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।